Spandan Academy class 8 question number 3 exercise 2.5 question है solve the following linear equation हमें linear equation को solve करना है x plus 7 minus 8x upon 3 equal 17 upon 6 minus 5x upon 2 इस equation को हम solve करेंगे इसमें x term को एक side कर देंगे minus 8x upon 5 इसको हम इस side लेकर आएंगे transfer होगा तो minus का इसका होता है तो plus का 5x upon 2 equal 17 upon 6 इस 7 का transfer होगा ये plus का इसका हो जाएगा minus का अब हम इसका क्या LCM लेंगे इसका LCM लेंगे तो 3 और 2 का LCM कितना हो जाएगा 6 1 की table में 6 6 टाइम आता है 6 into x 6x हो जाएगा minus 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है 2 टाइम 2 का इनटू 8 में होगा तो 16x प्लस 2 की टेबल में 3 6 3 टाइम आता है 3 का इनटू 5 में होगा तो 15x इक्वल 6 और 1 का एलसीएम 6 6 की टेबल में 6 1 टाइम मींस 17 माइनस 6 की टेबल में 6 6 टाइम 6 इनटू 7 40 इनका माइनस होगा दोनों का तो कितना आ जाएगा 25 किसका होगा माइनस का क्योंकि बड़ा नंबर 42 हमारे पास माइनस का है इसका माइनस होगा माइनस 10x प्लस 15x तो कितना होगा 5x इक्वल माइनस का 25 इस 5 का ट्रांसफर होगा इनटू में किसमें आएगा डिवाइड में तो ये हो जाएगा x इक्वल माइनस 25 upon 5 5 से 25 कट हो जाएगा कितने 5 टाइम तो x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का 5 ये हमारी x की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन x माइनस 5 upon 3 इक्वल x माइनस 3 upon 5 इसका हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है इसका इसमें इनटू होता है और इसका इसमें इनटू हो जाता है तो 5 multiply by x minus 5 equal 3 multiply by x minus 3 5 का इनटू x में होगा और 5 में होगा x 5 x में होगा तो 5x minus 5 into 5 25 equal 3 into x 3 x minus 3 into 3 9 अब x वाले टर्म्स को एक साइड कर लेंगे 5x इसका ट्रांसफर होगा तो माइनस का 3x इक्वल माइनस का 9 और इसका ट्रांसफर होगा तो प्लस का 25 इसका माइनस हो जाएगा 5x माइनस 3x 2x इक्वल इसका माइनस होगा तो 16 इसका क्या होगा इनटू में है तो अपॉन में जाएगा x इक्वल 16 अपॉन 2 कट हो जाएगा 2 से 8 टाइम्स तो x इक्वल क्या हो जाएगा 8